the marginal physical productivity is the rate of change in the total production with respect to one input or the last unit of the input and this law of diminishing marginal productivity it tells us that when we are going to utilize more and more number of one input gradually there will be a point that after this This one additional unit of input, it will not add in the total output. Rather, it may cause that decline in the total output. Or other words, we can say कि हम एक इनपुट का इस्तेमाल जब करते चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि दो यूनिट तीन यूनिट चार के साथ हमारी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होती जा रही है एक लम्हा वो आएगा जब टोटल प्रोडक्शन stagnant हो सकती है मीन उसमें इंक्रीज नहीं हुआ लेकिन डिक्रीज भी नहीं हुआ एंड इवन इफ वी आर गोइंग टू एड वन मोर एंड मोर एंड मोर तो क्या होगा कि टोटल प्रोडक्शन इट विल डिक्लाइन अब अगर यहां पे इस ऑस्पेक्ट को हम देखें कि ला ऑफ डिमिनशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमें एक्चुअली अ सेंस क्या बताता है तो वो इस ऑस्पेक्ट के साथ अटैच रिसोर्स को आप मद्देनजर रखें मीन्स इफ वी आर गोइंग टू एनहांस मोर एंड मोर नंबर ऑफ इनपुट वो लेबर भी हो सकता है वो कैपिटल भी हो सकता है तो जब भी हम उसको एड ऑन करते जा रहे हैं लेकिन उसके साथ टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रही तो उस इनपुट के साथ जो अटैच्ड कॉस्ट है क्योंकि हायर्ड ऑन सर्टन प्राइस दैट विल इंक्रीज इन द टोटल कॉस्ट और द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन देयर विल बी इंक्रीज इन द कॉस्ट

मार्जिनल so, प्रोडक्ट में जब हम एक ही प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते करते हम देखते हैं कि डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है तो दैट इज द पॉइंट ऑफ डिसीजन जिस पे एंटरप्रेन्योर को अभी डिसाइड करना है कि आइदर उसको कोई कंबिनेशन चेंज करना है या इस पॉइंट के बाद इफ ही विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस ही विल बी प्रोड्यूसिंग बट एट अ सर्टन कॉस्ट एंड ही विल बी प्रोड्यूसिंग बट नॉट एट द इंक्रीमेंटल रेट बट रादर इन डिक्रीज और द डिक्लाइन फॉर अब अगर जनरली हम प्रोसेस को देखें तो हमारे प्रोसेस में शॉर्ट रन में जो कैपिटल के ऑस्पेक्ट हैं मीन मशीनरी वी कैन से बिल्डिंग वी कैन से लैंड ये मोस्टली चेंज नहीं हो सकते सो इन द शॉर्ट रन जो वेरिएबल चेंज हो रहा होता है वी कैन से इट मे बी द लेबर बट मैं अगर कुछ और एग्जाम्पल देखूँ तो लेबर के मुकाबले में वी कैन से इट कैन बी सर्टन अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर फॉर द एग्रीकल्चर एंड एट द सेम टाइम फॉर इंडस्ट्री वी कैन से इट कैन बी एनर्जी इट कैन बी कोल एंड लाइक एनी अदर इनपुट सो एनी इनपुट दैट इज़ वेरिएबल दैट इज गोइंग टू चेंज एंड वी आर गोइंग टू एड ऑन वी आर गोइंग टू इंक्रीज तो स्टार्ट में जब हम उसका ज़्यादा फैक्टर विद सर्टन कम्बिनेशन ऑफ अदर फिक्सड रिसोर्सेज एड ऑन करते हैं मेन देयर आर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑस्पेक्ट्स हम उन कम्बिनेशन में अगर हम किसी एक प्रोडक्शन फंक्शन को हमने एक्सेप्ट कर लिया और अब हम इनपुट की एक यूनिट जो है उसका हर दफा नया यूनिट ऐड ऑन कर रहे हैं तो स्टार्ट में हम देखेंगे कि देयर इज इंक्रीज इन द टोटल आउटपुट बट दैट टोटल इंक्रीज एक पर्टन पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहाँ पे हम जाके देखेंगे कि रिलेटेड टू दैट कॉन्स्टेंट अब ये स्टेगनेट हो गई है और इनक्रीज नहीं कर रही एंड उससे नेक्स्ट पे अगर हम जाके देखेंगे तो देयर विल बी पॉसिबिलिटी कि अब वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है तो हेयर इट विल बी द स्टार्टिंग ऑफ द डिमिनशिंग रिटर्न और द डिमिनशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड दिस विल बी दैट पॉइंट जहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान एंटरप्रन्योर को अब ये डिसाइड करना है कि ये उसकी प्रॉफिटेबल रेंज नहीं है एंड ही हैज़ टू स्टार्ट और द स्टॉप हिज प्रोडक्शन Stable may when we see that in the start, this is the aspect where marginal productivity is increasing, and again there is a part now from seven it is going to decry, decline, and decline, and it reaches to zero. So, it is the diminishing marginal productivity, and if it at this aspect, we are not going to stop our production further it will increase in the diminishing absolute productivity means that is that range where we will see that the total production it will decline so this marginal physical productivity it is our yardstick

कि दिस इज़ वन एवरेज प्रोडक्ट और यहाँ पे हमारा ये मार्जिनल प्रोडक्ट है तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम होता है और उसके बाद से ये डिक्लाइन करता करता हमारा ज़ीरो पे आ गया एंड इसके बाद से ये इसी तरीके से डाउनवर्ड अगर हम जाएं तो फर्दर ये उस ये वाला जो ऑस्पेक्ट है ये वो है जब हम कहते हैं कि वैन द टोटल प्रोडक्शन इट विल डिक्लाइन एंड जब यहाँ जब अगर हम इंक्रीजिंग पे है तो दिस इज दैट फेज व्हेन टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एंड सेकेंड फेज दिस इट शोज दैट टोटल प्रोडक्शन स्टिल इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट वेर टोटल प्रोडक्शन इट विल बी डिक्रीजिंग so this law of diminishing marginal physical productivity it helps the entrepreneur to decide about the production stages